अभी जैसे मैं, प्लीज म्यूट योर सेल्फ डॉक्टर निशा, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? डॉक्टर निशा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ सो वी कैन कंटिन्यू। ओके, हम बात कर रहे थे जी एन आर एच, एंड जी एन आर एच का मैंने जैसा मेन फंक्शन बताया था, मेन फंक्शन इज, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके ओके, डॉक्टर मेदिनी प्लीज चेक योर नेटवर्क। ओके ओके थैंक यू। देन हम बात कर रहे थे जीएनआरएच हार्मोन्स की, और जीएनआरएच पॉजिटिव फीडबैक किसको दे रहा है? पिट्यूटरी को, एंड पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है? दो हार्मोन वो रहते हैं कौन से, LHN, FSH। और अब हम बात करेंगे कि जीएनआरएच को कैसे पता चलता है कि वो LH सीक्रेट करेगा या FSH को सीक्रेट करना है, ठीक है? तो इसकी एक पल्स फ्रीक्वेंसी रहती है, तो पल्स फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि LH सीक्रेट होगा या FSH सीक्रेट होगा। एक लाइन लिखिए, GnRH, GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इज हाई देन इट इज सीक्रेटेड द FSH, व्हेन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इज low, then secretes the LH, okay? इसी तरीके से हम बात करते हैं, GnRH हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की, ल्यूटियल फेज की। अब आपको सारी चीजें समझ में आएगी, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अपना एक न्यू फ्रेश पेज ले लेना और वहां पे ये सारी चीजें लिखना ल्यूटियल फेज को। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं कि GnRH सिक्रीट्स द LH एंड LH मेंटेन्स द कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम एंड कार्पस लूटियम सिक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन, सिक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन अराउंड एंड अराउंड 40 मिलीग्राम पर डे, 40 मिलीग्राम पर डे, एंड प्रोजेस्टेरोन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH and also gives negative feedback to GnRH. Okay? Progesterone's ka level, maximum level, kaun se day pe hota hai? 7 day before means 21 day of menstrual cycle. ओके, मैक्सिमम लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। और आपको भी पता है, ये जैसे ही नेगेटिव फीडबैक दिया मींस LH क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, LH डिक्रीज होने लगेगा, तो ये जो मेंटेन कर रहा था किसको, कार्पस लूटियम को, तो वो क्या होने लग जाएगी, डेफिनेटली डीजनरेट होने लगेगी, definitely degenerate होने लगेगी। और जैसे जैसे ये degenerate होगी तो progesterone level क्या होने लगेगा, progesterone level becomes low, decrease the
प्रोजेस्टेरोन लेवल, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा तो क्या आएंगे, मेंसेस। ओके तो ये सिंपल। तो इसी तरीके से हम ल्यूटियल फेज के बाद में हम बात करते हैं किसकी, फॉलिकुलर फेज की, जिससे कि आपको पूरी साइकिल समझ में आएगी। जब भी इंक्रीज होगा हमारा जीएन आरएच, ओके, एट दी हाई पल्स फ्रीक्वेंसी, हाई पल्स फ्रीक्वेंसी, ओके, तो क्या सीक्रेट होगा, फॉलिकुलर फेज के अंदर वो डेफिनेटली पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके क्या सीक्रेट करेगी, एफएसएच को सीक्रेट करेगी। एंड एफएसएच का मैंने क्या वर्क बताया था, टू सेलेक्ट दी कोहोर्ट ऑफ दी फॉलिकल, इनमें से एक फॉलिकल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करके जो फॉलिकल रहेगा, तो फॉलिकल भी, तो जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो क्या करेगा, दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज दी, अभी आपको बताया था, इस्ट्रोजन्स, एंड सेकेंड वन हार्मोन इज दी इनिबिन। सेकेंड वन इज दी इनिबिन, और यही इनिबिन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को कि अब और कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल मत बना देना, एक डोमिनेंट फॉलिकल बन चुका है, दैट्स इट, ओके। तो ये तो हुआ हमारा अर्ली फॉलिकुलर फेज। ओके अब आती है हमारी लेट फॉलिकुलर फेज। लेट फॉलिकुलर फेज में क्या रहता है, जो डोमिनेंट, ये जो डोमिनेंट फॉलिकल थी, इट रिलीजेस दी इस्ट्रोजन्स, देन इस्ट्रोजन लेवल बिकम्स दी हाई। जब इस्ट्रोजन्स लेवल हाई होता है तो वो दो काम करेगा, फर्स्ट इट पॉजिटिव फीडबैक किसको देगा कि यहां पे क्या होने लगेगा, एलएच इंक्रीज होने लगेगा, यूटिलाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होने लगेगा। ये क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एक तो प्लस इफेक्ट ऑफ दिस इस्ट्रोजन्स, एंड सेकेंड इस्ट्रोजन्स आपको पता है कि ये क्या करता है, जीएनआरएच को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा कि अब स्टिमुलेट मत होना। तो जब जीएनआरएच स्टिमुलेट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो फ्रिक्वेंसी, लो पल्स फ्रिक्वेंसी, एंड लो पल्स फ्रिक्वेंसी में आपको भी पता है क्या सीक्रेट होता है, एलएच। आपके जस्ट प्रीवियस पेज पे टर्न ऑन करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब आपके सामने एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही होगी, हाई इस्ट्रोजन मींस एलएच सर्ज। LH सर्ज के 36 आवर्स बाद में क्या होगा, हमारा ओव्यूलेशन, एंड ओव्यूलेशन के बाद में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, कार्पस ल्यूटियम, एंड कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स दी प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन के बाद में जो भी सिंपली बताया था ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज डेवलप होगी। तो ये सिंपल साइकिल चलती रहती है, और इसी तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिंपल ग्राफ या चार्ट मान लीजिए, जो आपने कई जगह बुक्स में देखा है, ठीक है ना। एक पूछा जाता है कि लाइफ स्पान ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, ओके, लाइफ स्पान की बात करें, मैं इसी में बता रहा हूँ, लाइफ स्पान ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज 14 डेज। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, तो वो कब होती है, 8 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन,
आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर बात करें सिक्रीशन ऑफ दी कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम क्या क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनिबिन ए, इनिबिन ए एंड रिलैक्सिन। सिक्रेटेड बाय द कार्पस लूटियम। ओके, ये हुई हमारी एंडोक्राइनोलॉजी। होप सो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं कुछ बेसिक गायनेकोलॉजी। जैसे कि अगर बात करें हम मेंसेस रिलेटेड, तो मेंसेस नॉर्मल लेंथ नॉर्मल लेंथ कितनी रह सकती है? 21 डेज टू 35 डेज नॉर्मल लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल डेज ऑफ द ब्लीडिंग इट इज 2 to 5 डेज एवरेज। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज ब्लड लॉस इट इज 35 ml to 50 ml, 35 ml to 50 ml, एंड नॉर्मल अप टू ब्लड लॉस, मैक्सिमम ब्लड लॉस कितना हो सकता है? नॉर्मल अप टू मतलब हायर लेवल कितना हो सकता है? 80 ml। ओके, तो ये तो हुआ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस। अगर ये चीजें आपने लिखी हैं, तो अब आप लिखिए इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और मैं आपको डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, मैं इनका बेसिक चीजें बताऊंगा। लाइक अगर बात करें मिनोरेजिया की, मिनोरेजिया एंड मिनोरेजिया बाय वर्ड हमारे को समझ में आना चाहिए। और वो क्या रहता है? ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 ml। जैसे अभी मैंने बोला 80 लेस देन 80 ml रहना चाहिए, बट 80 ml से ज्यादा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिनोरेजिया। बट स्पेसिफिक कंडीशन, साइकिल्स आर द रेगुलर, साइकिल्स आर द रेगुलर। तो एक डेफिनेशन को याद रखने का सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स पता हो। ये दो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मतलब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। ओके, और यही एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। हम पूरी डेफिनेशंस याद करते हैं वो कोई काम का नहीं है। हाइपोमिनोरेजिया, हाइपोमिनोरेजिया हाइपोमिनोरेजिया ओके मींस द डिक्रीज द ब्लीडिंग, डिक्रीज द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंसेस विथ साइकिल्स आर द रेगुलर, साइकिल्स आर द रेगुलर। पॉलीमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया मींस दी, पॉली मींस दी ज्यादा, मींस दी फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी बताई थी अभी मैंने आपको? 21 days to 35 days, मींस 21 डेज से पहले आ जानी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मींस लेस देन 21 डेज की साइकिल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमिनोरिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज दी ओलिगोमिनोरिया,
means oligo means the infrequent cycle. Infrequent cycle. Infrequent means अभी जैसे मैंने बताया ओलिगो है तो लेंथ लंबी हो जानी चाहिए, मींस 35 डेज से ज्यादा. तो एक कंडीशन याद रख ली तो बाकी सब याद रहेगा. ग्रेटर देन 35 डेज की अगर साइकिल है तो उसको हम किस में डालेंगे, ओलिगो में. अगर लेस देन 21 डेज है तो उसको हम किस में डाल देंगे, ओली मिनोरिया में. ओके एंड लास्ट जो टर्मिनोलॉजी बचती है, लास्ट टर्मिनोलॉजी ये जस्ट होल्ड अ सेकंड. हाँ लास्ट टर्मिनोलॉजी इज द मेट्रोरेजिया. मेट्रोरेजिया बाय वर्ड समझ में आ रहा है, इट इज द इरेगुलर ब्लीडिंग. मींस यहां पे कोई भी यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा, यहाँ पे इरेगुलर पैटर्न है. ठीक है और फिर बाद में इन चार टर्मिनोलॉजी के बाद में जो भी वर्ड्स आएंगे, जैसे कि मिक्स वर्ड आ सकते हैं लाइक मीनो मेट्रो, तो किसी भी तरीके से वर्ड आए तो वहां पे वो दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट कर रही है. जैसे कि फ्रिक्वेंट भी है बट मिनोरेजिया भी डेवलप हुआ है या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हुआ है. एक टर्मिनोलॉजी जो लास्ट में बसती है वो है हमारी ए मिनोरिया. ओके ए मिनोरिया किसको बोलते हैं, तो ए मिनोरिया के लिए हम पहले सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो ए मेनोरिया ही है. तो ए मेनोरिया हेडिंग डालिए ए मेनोरिया. ओके तो ए मेनोरिया कितने टाइप का हो सकता है, प्राइमरी ए मेनोरिया एंड सेकेंडरी ए मेनोरिया. सेकेंडरी ए मेनोरिया इज मोर कॉमन. अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन तो बताई नहीं, डेफिनेटली अभी मैं बता रहा हूं. हम पहले बात करेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया की. तो सेकेंडरी एमेनोरिया की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेशन अगर मैंने इंपॉर्टेंट बोला है मतलब आपके एग्जाम में आने वाला है या फिर आपको इंटरव्यूज में ये पूछेंगे ही पूछेंगे. ओके तो हमारे को पता होना चाहिए एब्सेंस ऑफ द मेंसेस फॉर सिक्स मंथ्स in previously menstruating female. And second definition, absence of the menses for 3 consecutive consecutive menstrual cycle. क्योंकि या तो हम मंथ में बात कर सकते हैं या पर साइकिल के वाइज बात कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी को साइकिल 35 डेज की या 40 डेज की अगर हो तो वहां पे 6 मंथ मैटर नहीं करेगा, वहां पे मैटर करेगा हमारी 3 साइकिल की मैटर करेगा. ठीक है तो डेफिनेशन वाइज हमारे को पता होना चाहिए या तो 6 मंथ्स हो या 3 कंसेक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एब्सेंट हो तो उसको हम क्या किस में डालेंगे, उसको हम डालेंगे इट इज अ केस ऑफ द सेकेंडरी एमेनोरिया. ओके कोई कंफ्यूजन नहीं. अब बात करते हैं प्राइमरी एमेनोरिया की. प्राइमरी एमेनोरिया जस्ट होल्ड अ सेकंड. अब बात करते हैं हम प्राइमरी एमेनोरिया. प्राइमरी एमेनोरिया किसको कहेंगे, एब्सेंट ऑफ द मेंसेस बाय 14 इयर्स ऑफ द एज इन
इन दी एज याद रखना 14 ईयर ऑफ द एज इन द एब्सेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मतलब यहां पे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स भी एब्सेंट है और 14 ईयर ऑफ द एज में मेंसेस भी नहीं आया है तो वो क्या केस बनेगा प्राइमरी एमेनोरिया बट एब्सेंट ऑफ द मेंसेस बाय 16 ईयर ऑफ द एज एज इन द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मींस अब उस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर तो प्रेजेंट है बट 16 ईयर एज ग्रुप तक आते आते भी उसके मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो कौन सा केस बनेगा प्राइमरी एमेनोरिया ओके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मींस और यहां से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं तो इसका सीक्वेंस हमारे को पता होना चाहिए एट प्यूबर्टी सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले डेवलप होता है सबसे पहला जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है वो क्या होता है इस सॉरी 2 सेकेंड होल्ड ऑन इट इज स्केलेटल ग्रोथ इसको वर्ड डालते हैं हम ग्रोथ स्प्रूट स्केलेटल ग्रोथ जहां पे हमारे को क्या देखने को मिलता है इंक्रीज द आर्म स्पान ओके तो ये आर्म स्पान रहेगा ये इंक्रीज होता है ग्रोथ स्पोर्ट सेकेंड जो चीज डेवलप होती है दिस इज थैलार्की मींस ब्रेस्ट बडिंग देन पिबार्की मीन्स दी प्यूबिक हेयर तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये आपको सीक्वेंस याद होना ही चाहिए देन डेवलप होता है पीक हाइट वेलोसिटी आप भी देखते होंगे नोट करते होंगे एट प्यूबर्टी गर्ल्स की हाइट एकदम से इंक्रीज होती है तो वो पीक हाइट velocity कहलाती है and after this peak height velocity after 6 months develops the menses after this 6 months after peak height velocity develops the menses okay तो ये चीज क्लियर हो गई तो यहाँ पे जो MCQs डेवलप होता है यही पूछा जाता है फर्स्ट सेक्सुअल करेक्टर कौन सा है तो अगर ऑप्शंस में ग्रोथ स्पुट देखा हुआ है तो आपका टिक होना चाहिए ये अगर ये मेंशन नहीं है तो आपका आंसर जाएगा थैलार्की कोई कंफ्यूजन नो ओके देन एमेनोरिया को हम कंप्लीटली डीपली पढ़ते हैं कि इसमें किस तरीके से एमेनोरिया को हम डायग्नोस करते जाएंगे एंड उसका करेक्टर्स पढ़ते जाएंगे ठीक है एमेनोरिया एमेनोरिया है तो एमेनोरिया में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है
ये सबसे पहली चीज देखनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है। एंड प्रेजेंस एंड अब्सेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब जो मैं अब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एब्सेंट है या प्रेजेंट है, अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे यूपीटी। यूपीटी तो सबको पता ही है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर करते हैं, और ये क्यों करना जरूरी है, बिकॉज बिकॉज यूपीटी पॉजिटिव है मींस दी प्रेगनेंसी है, एंड प्रेगनेंसी इट इज दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमेनोरिया। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, ओके। अगर मान लीजिए यूपीटी नेगेटिव है मींस प्रेगनेंसी एक्सक्लूड हो गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस करेंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन फर्स्ट हम किसका करेंगे, सॉरी यूटरस, ओके। एंड तो हम यूट्रस का इंटरनल एग्जामिनेशन करके क्या देखेंगे कि यूट्रस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो यूट्रस एब्सेंट और प्रेजेंट, ओके। यूट्रस एब्सेंट अगर है तो हमारे माइंड में दो चीज आ सकती है और दो डायग्नोसिस हमारे माइंड में बनेंगे। फर्स्ट इज दी मुलेरियन एजिनेसिस, मुलेरियन एजिनेसिस, एंड सेकेंड इज दी AIS। AIS इज दी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ओके। देन अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं मुलेरियन एजिनेसिस की। पहले बात करते हैं तो मुलेरियन एजिनेसिस के लिए लिखिए मुलेरियन एजिनेसिस, ओके। मुलेरियन एजिनेसिस, मुलेरियन एजिनेसिस का मोस्ट कॉमन कॉज इज रॉकिटेंस्की सिंड्रोम, और इसको MRKH, और इसी का पूरा फुल फॉर्म ही है ये, किसका, रॉकिटेंस्की सिंड्रोम का, रॉकिटेंस्की सिंड्रोम। ओके, रॉकिटेंस्की सिंड्रोम क्या है, ये एक ट्रायड है, ट्रायड किससे मिलके बनता है, फर्स्ट इज द मुलेरियन, मुलेरियन एजिनेसिस, मुलेरियन एजिनेसिस में क्या चीज हो सकती है, फर्स्ट एब्सेंट ऑफ द वेजाइना, सेकेंड एब्सेंट ऑफ द यूट्रस, एब्सेंट ऑफ द यूट्रस और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस भी हो सकता है। देन हाइपोप्लास्टिक मीन्स द छोटी फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का ओनली 1/3 पोर्शन ही डेवलप हो पाता है, ओके। तो इसको बोलते हैं छोटी या स्मॉल हाइपोप्लास्टिक फेलोपियन ट्यूब्स, मुलेरियन एजिनेसिस, ये सारी मुलेरियन डक्ट से डेवलप होती है, तो यही ट्रायड बनता है इसका।
ट्रायड में सेकंड नंबर आता है किसका? रीनल एनोमलीज, रीनल एनोमलीज, रीनल एनोमलीज एंड मोस्ट कॉमन रीनल एनोमलीज सीन इन द मुलेरियन एजिनेसिस इट इज हॉर्सशू किडनी, हॉर्सशू किडनी, ओके। एंड लास्ट ट्रायड में जो डेवलप होती है और वो है स्केलेटल, स्केलेटल एनोमलीज। एंड स्केलेटल एनोमलीज में एक वर्ड लिखिए हेमी वर्टिब्रा, हेमी वर्टिब्रा। अब इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है, एक तो ये ट्रायड हो गया, सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है मुलेरियन एजिनेसिस के अंदर वो पूछी जाती है इसमें गोनेड कौन सा रहेगा। गोनेड इज द सेम मींस नॉर्मल ओवेरी। यहां पे कैरियोटाइप कैसा देखने को मिलेगा? कैरियोटाइप इज डेफिनेटली 46XX, ओके। देन हमारे को पता होना चाहिए यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल मिलेगा। एंड प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर आल्सो नॉर्मल। एंड अगर बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, एक्सटर्नल जेनिटेलिया नॉर्मल फीमेल लाइक, नॉर्मल फीमेल लाइक। अब हमारे पास में ये हुआ हमारा मुलेरियन एजिनेसिस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं AIS, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम क्या है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, AIS, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ओके। अगर क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज रिजॉइन इमीडिएटली, ओके। तो यहां पे मेन डिफेक्ट जो डेवलप होता है क्यों होता है? डिफेक्ट इज एंड्रोजन रिसेप्टर जो होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स आर दी नॉन फंक्शनिंग नॉन-फंक्शनिंग। यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर ही नॉन फंक्शनिंग है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। तो यहाँ पे गोनेड कौन सा मिलेगा? गोनेड इज द टेस्टिस, गोनेड इज द टेस्टिस। और यहाँ पे मेनली टेस्टिस क्या रहते हैं? अनडिसेंडेड, अगर अनडिसेंडेड है तो वो किस में प्रेजेंट हो सकते हैं? प्रेजेंट इन दी इंग्वाइनल हर्निया एंड मे बी प्रेजेंट इन दी एब्डोमन। ओके, यहां पे कैरियोटाइप कैसा देखने को मिलेगा? कैरियोटाइप इट इज डेफिनेटली 46XY। यहां पे यूट्रस क्या रहेगा? यूट्रस इज एब्सेंट, यूट्रस इज एब्सेंट, ओके। बिकॉज अभी मैंने बताया था कि टेस्टिस मींस सार्टोरी सेल्स, एंड पीछे टर्न करके देखिए मैंने बताया था इट रिलीजेस दी MIS, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करेगा, एंड मुलेरियन डक्ट इनहिबिट होगी तो क्या रहेगा? यूट्रस डेवलप नहीं होगा तो यूट्रस एब्सेंट होगा। ब्रेस्ट
प्रेजेंट मिलेंगे, डेवलप्ड मिलेंगे, ओके। क्योंकि जो टेस्टिस है वो क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन पेरिफेरी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो क्या सिक्रीट करेगा, इस्ट्रोजन्स, एंड इस्ट्रोजन्स क्या डेवलप करेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। फिर बात करते हैं हमारे प्यूपिक एंड एक्सिलरी हेयर्स की। प्यूपिक एंड एक्सिलरी हेयर्स आर दी एब्सेंट। और आपको भी पता है ये प्यूपिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। बट टेस्टोस्टेरोन वर्क नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले लाइन पढ़ी है एंड्रोजन रिसेप्टर इन फंक्शनिंग है, नॉन फंक्शनिंग है, तो टेस्टोस्टेरोन वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या नहीं डेवलप हो पाएगा हमारा प्यूपिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये एब्सेंट मिलता है, ओके। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट जो है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल लाइक। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है आपको, अगर सारी चीजें याद रहे या नहीं रहे, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम अगर सीधा आता है तो सीधा क्वेश्चन ये आएगा आपका, इसको नोट में डाल के लिख लीजिएगा, क्या इसको बोलते हैं, किस पैटर्न का बोलते हैं इसको, मेल स्यूडो, मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट, मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट सीन इन दी टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ओके। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट टेस्ट कैन हेल्प टू दी डिफरेंशिएट बिटवीन दी टू, मींस मुलेरियन एजेनेसिस एंड एआईएस, कौन डिफरेंशिएट करेगा, तो फर्स्ट आपके पास में पॉइंट